तो क्वेश्चन में हमें एक मेटेलिक व्हील गिवन है जिसमें टेन स्पोक्स हैं हर स्पोक की लेंथ जीरो पॉइंट फाइव मीटर है ये व्हील वन ट्वेंटी रिवोल्यूशन पर मिनट के रेट से मूव कर रहा है जिस जगह पर यह मोशन कर रहा है उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और उस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जीरो पॉइंट फोर जी के बराबर है हम जानते हैं कि व्हील के सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन टू पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर जहां पर आर रेडियस ऑफ द सर्किल है और थीटा एंगल ऑफ द सेक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सेक्टर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सेक्टर जिसकी वैल्यू होगी फाइव इज इक्वस टू बी थीटा बाई टू आर स्क्वायर फेराडेस लॉ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जानते हैं इस फॉर्मूले में जब हम फाई की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें इंड्यूस्ड ई का नया फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि होगा इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जहां पर ओमेगा एंगुलर स्पीड है आर रेडियस ऑफ द सर्कल है और बी मैग्नेटिक फील्ड है इस फॉर्मूले में जब सारी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें इंड्यूस्ड ई एम एफ की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव वोल्ट यहां पर हमें एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि व्हील के अंदर टेन मेटेलिक स्पोक्स हैं लेकिन अगर आठ होते या 6 होते या बारह होते तब भी आंसर यही आता क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पर इेलीवेंट हैं रीज़न बींग कि ई जो है वो स्पोक्स में पैरल मूव कर रहा है